हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी एस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे कन्नड़ मूवी अर्जुन गोवडा को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्जुन गोवडा, ये मूवी कल ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को रोमांटिक एक्शन मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी अर्जुन नाम के एक लड़के की, जिसके लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसकी मम्मी एक गैंगस्टर से पंगे ले लेती है। और उसके बाद उसके लाइफ में आगे क्या क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसी स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, हमें बताया जाता है कि अर्जुन किस तरह का इंसान है, वो अपने फ्यूचर को लेकर कैसे सोचता है और साथ ही साथ वो अपने घर वालों से कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो सब मुझे काफ़ी ज़्यादा देखा दिखा ऐसा लग रहा था। मतलब अगर आप लोगों ने एक्शन रोमांटिक मूवीज़ देख रखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स कुछ इसी तरह के रहते हैं। और जिस तरह से इन सारी चीज़ों को लिखा गया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा रूटीन था। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है और हमें बताया जाता है कि अर्जुन के लाइफ में कितना कुछ हो गया है, ये गैंगस्टर किस तरह से अर्जुन से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, वो सब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन सारी चीज़ों को उस तरह से लिखा गया था कि हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो हमने पहले भी देख रखा है, इसी कारण से हम किसी भी पॉइंट पर इस मूवी में इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं। और जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट निकल जाते हैं और कोई भी ट्विस्ट हम पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा रूटीन है और इनमें हमें कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें मास एक्शन मसाला मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन हाँ, इस मूवी को देखते वक्त अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाना। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का हम ठीक ठाक ही है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का ठीक ठाक ही है और एडिटिंग भी ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मास एक्शन मसाला मूवीज़ देखना पसंद आती हैं और आप लोगों ने इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखी हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो और आपको हर एक मूवी में और आप लोगों को हर एक मूवी में कुछ नया कुछ अलग चाहिए होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी कुछ खास पसंद आने वाली है। तो आपको ये मूवी देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सोल्यूशन शेयर करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।